हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी। वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशंस। आज हम देखेंगे ये क्रोशिया से 3D पैटर्न वाला एक ट्रायंगल शॉल। ये 3D पैटर्न फ्रंट से इस तरह से आपको दिखेगा। मेरे चैनल पे और भी आपको ट्रायंगल के शॉल देखने को मिलेंगे पैटर्न के, जो ये इस तरह से दिखेगा फ्रंट साइड एंड ये बैक साइड में। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, ट्रायंगल शॉल का, क्रोशिया का अलग एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स आपको मिलेंगे, तो चेक करना ना भूलिएगा। एंड प्रीवियस, इससे पहले एक वीडियो मैंने डाल चुका है, इसी पैटर्न को हम किस तरह से स्क्वायर शेप में एक शॉल या स्कार्फ के लिए बना सकते हैं एक स्क्वायर में। तो इस तरह से ये दिखेगा फ्लावर में, और ये ट्रायंगल इसी मेथड में ट्रायंगल हम किस तरह से बना सकते हैं, तो ये इस तरह से दिखेगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट। इस पैटर्न के लिए थोड़ा सा पतला ऊन, यहाँ पे मैं वर्धमान का ब्रेलॉन ऊन ले लिया हुआ है एंड यहाँ पे क्रोशा हुक अप 2.5 या 3 mm का ले सकते हो। ये 3 mm मतलब नंबर 5 या 2.5 का ले रहे हो तो वो नंबर 4 नंबर का वो क्रोशा हुक होता है, तो ये 3 mm का क्रोशा हुक है एंड ये 5 नंबर 5। तो ये यहाँ पे ऊल ले लिया है और यहाँ पे एक स्लिप नॉट बना देंगे इस तरह से। अब चेन 4, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे फर्स्ट चेन में एक स्लिप नॉट करके एक रिंग हमने रेडी कर लिया है। अब इस रिंग में एक पफ स्टिच करेंगे, यहाँ पे जो कॉर्नर पे हमें यहाँ से शुरू होने वाला एक पफ स्टिच बनेगा, तो इसी चेन को लूप को हम थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और इसी रिंग के अंदर डाल के 1, 2, 3 टोटल ये 4 टाइम्स लूप्स हो गए हैं। तो इन सबको इस तरह से एक स्लिप नॉट करके लॉक कर देंगे और नेक्स्ट इसी स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। वन 2, 3 यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट चैन 1, फिर इसी में इसी सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और 3 टोटल यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 3 डबल क्रोशिया चैन 1 एंड अगेन 3 डबल क्रोशिया, जैसे यहाँ पे हमने लूप किए थे पफ स्टिच, सेम एंड पे एक और पफ स्टिच क्रिएट करेंगे 1, 2, 3 3 टाइम्स और इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके लॉक कर देंगे। तो ये बेस रेडी हो गया है, जो यहाँ पे बॉटम आपको दिख रहा है। यहाँ पे हम 5 चेन्स लेंगे एंड पे, हर टाइम आपको यहाँ पे 5 चेन्स लेने होंगे स्टार्ट करते टाइम। 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन्स लिया। अब यहाँ पे हमने टर्न कर लिया, तो ये जो बेस में फर्स्ट चेन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे एक वी क्रिएट हो गया है। चेन 2, अब जो यहाँ पे गैप है, जो शेल हमने क्रिएट किया, शेल के बीच में एक गैप है, तो यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया करके लॉक करेंगे। फिर चेन 2, जो एंड इसका टॉप है, पफ स्टिच के टॉप स्टिच के चेन के ऊपर हमें अगेन वी क्रिएट करना है, तो एक डबल क्रोशिया, चेन 2, अगेन एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे सेकेंड रो इस तरह से दिखेगा, तो अगेन एक ये जो पफ अब यहाँ पे ये सेकेंड रो हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड रो के लिए यहाँ पे एक चेन डालेंगे और टर्न कर लिया है, तो इसी बेस चेन को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, यहाँ पे अगेन पफ हमें क्रिएट करना है, तो उनको लपेटा, फिर इसके यहाँ से जो फ्रंट लूप से फ्रंट पोस्ट पफ क्रिएट करेंगे 1, 2, 3
लूप्स लेके हमने एक पफ स्टिच क्रिएट किया। फिर यहाँ पे सेम वी है, जो यहाँ पे वी का स्पेस है, यहाँ पे अगेन हम 3 डबल क्रोशिया डालेंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया किया, चेन 1, फिर अगेन 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, यहाँ पे पफ डाला, 3 डबल क्रोशिया, चेन 1, अगेन 3 डबल क्रोशिया। सो अगेन लेफ्ट जो लेग है यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट पफ स्टिच करेंगे, 1 2 और 3, 3 लूप्स हमने क्रिएट किए और यहाँ पे एक पफ स्टिच हो गया है। तो अगेन ये पफ स्टिच रेडी हो गया, पफ स्टिच प्लस एक शेल पैटर्न। अगेन ये जो सेंटर लॉक हमने यहाँ पे किया था तो इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट वी जो है इसमें हम अगेन सेम थिंग यहाँ पे रिपीट करेंगे, 1 2 3, अगेन यहाँ पे हमने एक पफ स्टिच क्रिएट किया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, चेन 1, फिर 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पे अगेन यहाँ पे लेफ्ट लेग में एक पफ स्टिच, 1 2 3, तो ये एक पफ स्टिच हो गया है। तो नीचे यहाँ पे एक था तो यहाँ पे इसके ऊपर 2 पफ स्टिच प्लस एक फैन स्टिच रेडी हो गया है। अगेन हमें यहाँ पे टर्न करना है, टर्न यहाँ से, टर्न करने से पहले 5 1 2 3 4 5 चेन्स लेंगे और टर्न कर लिया। इसी के बेस में जो फर्स्ट चेन है वहां पे एक डबल क्रोशिया डालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें वी क्रिएट करना है। फिर चेन 2 जो ये शेल के टॉप सेंटर में है स्पेस, उसमें हमें सिंगल क्रोशिया करके लॉक करेंगे, फिर चेन 2, फिर इस सेंटर में जो गैप है यहाँ पे एक वी क्रिएट करना है, तो एक डबल क्रोशिया, चेन 2, उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया, चेन 2, फिर यहाँ पे लास्ट जो शेल है इसके सेंटर में सिंगल क्रोशिया, फिर चेन 2, जो लास्ट यहाँ पे पफ स्टिच के टॉप में अगेन वी क्रिएट करना है, तो एक डबल क्रोशिया, चेन 2, फिर डबल क्रोशिया। तो ये अगेन थर्ड रो थर्ड रो कंप्लीट हो गया है। फोर्थ रो, अगेन ये जो बेस रेडी किया है इस फोर्थ रो में हम इसी चेन को लंबा खींचेंगे, यहाँ पे फ्रंट पोस्ट पफ स्टिच, 1 2 और 3, 3 टाइम्स हमने पफ स्टिच लिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 6 डबल क्रोशिया करेंगे, तो 1 2 3 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन 1, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, अगेन यहाँ पे लेफ्ट लेग में यहाँ पे एक पफ क्रिएट करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे जो पफ है हमने 3 टाइम्स लिया। अगर आपका ऊन बहुत ज्यादा पतला है तो 4 या 5 टाइम्स तक आप ले सकते हो। तो ये फर्स्ट हो गया है। अब सेकेंड जो यहाँ पे गैप है इसको हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट वी पे डायरेक्ट पफ स्टिच, फ्रंट पोस्ट पफ स्टिच, 1 2 3, सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दिया, फिर 3 डबल क्रोशिया सेम वी स्पेस में, 2 3, चेन 1, फिर 1 2 और 3, 3 डबल क्रोशिया किया सेम
स्पेस में। फिर यहाँ पे अब एक पफ स्टिच क्रिएट करेंगे, 1, 2, 3। तो ये 1, 2, 2 हो गए हैं। अब लास्ट वी जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी हम सेम थिंग प्रोसीजर रिपीट करेंगे, फ्रंट पोस्ट, पफ स्टिच 3 times, यहाँ पे 3 double crochet, 1, 2, 3, चेन 1, फिर 3 double crochet, 1, 2, 3, फिर यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट पोस्ट पफ स्टिच, इस तरह से ये लॉक हो गया है। ये थर्ड रो आप देख सकते हो, 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ये पफ स्टिच सेंटर में आपको एक बर्ड फ्लावर की तरह, फ्लावर बर्ड्स की तरह, एक कॉम्बो में फ्लावर की तरह आपको ये दिखता जाएगा। एंड यहाँ पे अगेन 5 stitches, 1, 2, 3, 4, 5 चेन्स टर्न कर लिया हमने। नेक्स्ट रो बेस रेडी कर रहे हैं, तो बेस में यहीं पे ही एक डबल क्रोशिया डालेंगे। तो ये अगेन वी, चेन 2, फिर शेल के सेंटर में इसको लॉक करेंगे, फिर चेन 2, फिर नेक्स्ट जो गैप है 2 शेल के बीच में, वहां पे हम वी क्रिएट करेंगे। तो डबल क्रोशिया, चेन 2, डबल क्रोशिया, फिर चेन 2, फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेल के सेंटर में लॉक कर दे सिंगल क्रोशिया, फिर चेन 2, फिर नेक्स्ट जो गैप यहाँ पे दिखता जाएगा आप जब स्टार्ट करोगे, तो डबल क्रोशिया, चेन 2, फिर उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया, 1, 2, यहाँ पे वी क्रिएट हो गया है, चेन 2। अब जो लास्ट यहाँ पे पफ स्टिच है उसी के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, चेन 2, डबल क्रोशिया करके एक वी क्रिएट करेंगे, चेन 2, डबल क्रोशिया। ये यहाँ पे इसी तरह से नेक्स्ट रो के लिए एक बेस रेडी किया हमने। अगेन सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करते हुए जाना है। तो अगर आपने प्रीवियस ये वीडियो नहीं देखा है तो इस स्क्वायर शेप में किस तरह से बनाया जाता है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। यही सेम पैटर्न यूज करके मैंने एक पॉन्चो भी बनाया हुआ है, पॉन्चो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया हुआ है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।